इंद्री में गन्ना एक्शन कमेटी के तत्वाधान में किसानों ने शुगर मिल भादसों में किसानों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मिल गेट को ताला जड़ दिया और सड़क को जाम कर मिल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शुगर मिल किसानों के गन्ने का भुगतान ना कर बाहरी किसानों के गन्ने की आपूर्ति कर क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के बाद सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर उनकी समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया। लेकिन किसानों के उग्र तेवर को देखते हुए इंद्री के SDM प्रदीप कौशिक को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाया। ये हमारे जो इलाके के जो अंदर जो एक शुगर मिल है, कार्डली शुगर मिल है बादसों में, उससे में जो फार्मर जो उससे संबंधित हैं, उनको जो ग्रीवेंसीज हैं, उनको जो तकलीफें हैं शुगर मिल में, पेमेंट से रिलेटेड है, टोकन सिस्टम से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड एक इनकी तकलीफों उसके संबंधित तो इन्होंने ज्ञापन हमें सौंपा है। जो उस ज्ञापन के ऊपर जो भी संज्ञान लिया जा सकता है वो लिया जाए, क्योंकि वो शुगर मिल जिस तरीके का एज पर रूल नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो ज्ञापन नियमानुसार है। उपायुक्त महोदय के नाम उन्होंने भेजा है, मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसके ऊपर देखते हैं अभी क्या उसमें। इस दौरान किसानों को संबोधित कर रहे गन्ना एक्शन कमेटी के प्रधान रामपाल चहल ने क्या क्या मांग की, आइए आपको सुनाते हैं। पिकाडली शुगर मिल बादशाह में किसान सुबह 10 बजे और 11 बजे तक इकट्ठे हो गए। किसानों के अंदर बहुत रोष था भाई हमारे पेमेंट समय को, क्योंकि पेमेंट जो है अभी वो 52 दिन पर चल रही और नियमानुसार 14 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए, और जो वोचर पर टोकन लगाते हैं सीजन शुरू होने देर, अभी तक वही मांग चल रही, अभी तक ये टोकन भी नहीं आया, जबकि किसी मिल में टोकन नहीं लगता, और उसके लिए ना कोई व्यथा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास भी रिकॉर्ड है, हमारे पास भी रिकॉर्ड है। अभी SDM साहब और मिल प्रशासन और गन्ना संघर्ष समिति के पदाधिकारी सभी अभी SDM ऑफिस में बातचीत हुई और उन्होंने कहा भी हम आपकी जो पेमेंट है वो ऐसा नजदीक लगाए। वहीं किसानों ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी SDM को दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। सत्य खबर के लिए इंद्री से मैनपाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।